ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्या बोल रही सिद्रा? सर, मैंने टाइम टेबल बना लिया है बोर्ड्स का, उसमें ऑनलाइन क्लासेस का टाइम भी ऐड किया है। ओके, वेरी गुड सिद्रा। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, ऑल ऑफ यू। यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, जिसमें कि आपकी क्लासेस भी इंक्लूडेड है और सेल्फ स्टडी भी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप लोग जब प्लानिंग कर रहे हो ना अभी से, तो उसका एग्जीक्यूशन 60-70% ही होता है। पूरा कभी कर भी नहीं पाओगे आप, है ना? हमेशा एरर होता है, एफिशिएंसी कभी भी पूरी नहीं होती। लेकिन आप अगर प्लान ही नहीं करोगे ना, तो वो एफिशिएंसी ड्रॉप होके 10-20-30% पे आ जाएगी। तो प्लान करना जरूरी है। अपना अपना एक टाइम टेबल बना लो, उसमें ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हटा दो, उतना तो लगेगा मतलब क्लासेस में, और थोड़ा सा टाइम है ना अपने बोर्ड्स की रेगुलर प्रिपरेशन के लिए भी लगा दो। बोर्ड्स की प्रिपरेशन में आपको ज्यादा कुछ अलग से नहीं करना है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आप कर रहे हो साथ में, फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ा बहुत देखते रहा करो, जब भी टाइम मिले वीक में एटलीस्ट 1-2 बार देख लिया करो। देखने का मतलब होता है एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना, जो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज है ना एनसीईआरटी की, वो प्रैक्टिस करनी यस है ना। यू नीड टू प्रैक्टिस दैट वीक में एटलीस्ट 1-2 बार ना, अगर आप पूरे वीक नहीं कर पा रहे हो तो। क्योंकि नहीं कर पाओगे, मुझे पता है टाइम नहीं होता तुम्हारे पास इतना, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होने जरूरी है, चाहे आप कहीं से भी करो। जो अब चल रहा है, अगर मेरे साथ साथ करोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो और भी अच्छा है ना। आप लोगों को समझ में आ जाएगा और पूछने का मौका मिल जाएगा डाउट्स। कूल, यस सबसे सर आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, लेट मी नो कि आपको विजिबल है या नहीं है। तो बच्चों, है आज की सर क्लास में विजिबल है सबको? तो यस सर यस सर इन टुडेज क्लास व्हाट आई यस वाज थिंकिंग इज कि थोड़े तो टेस्ट के क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक वो लॉजिक गेट का बचा हुआ था ना लास्ट वाला, XNOR गेट, वो भी पढ़ लेंगे। बचा हुआ था ना लास्ट टाइम, मैंने शायद यस बोला था कि सर आज ले लेंगे। यस विल सर यस सर कंप्लीट दैट आल्सो। साथ में मैंने ये सोचा कि रिवीजन के लिए हम क्या स्टार्ट करें, तो वो मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों को पहले बेसिक मैथ्स थोड़ी कुछ क्वेश्चंस में पढ़ा दूं, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और कैसे करी जाती है। क्योंकि हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से कि हम स्ट्रगल करते हैं इन चीजों में, है ना। मैथ्स जहाँ पे भी आ जाती है वहां पे परेशानी होती है ना थोड़ी। मैं भी तुम्हें बोलता हुआ आ रहा था थ्रू आउट कि भाई थोड़ी मैथ्स पढ़ लो, थोड़े बेसिक सर मैथ्स पढ़ लो, है ना। माइंड मैप से पढ़ लो, कहीं से भी कर लो, पर कुछ पढ़ो। क्योंकि डिफरेंशिएशन आ जाता है दिक्कत आती है तुम्हें, इंटीग्रेशन में दिक्कत आ जाती है, लॉग लॉग वाले फंक्शंस आ जाते हैं दिक्कत आती है, ग्राफ्स में तुम थोड़ा सा डर जाते हो, घबरा जाते हो, आती है ना इन सब चीजों में दिक्कत। यस सर तो यस सर सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करें रिविजन को। फाइन है, यस इट्स जस्ट सर फाइन। यस सर यस सर कूल, लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम XNOR गेट पढ़ लेते हैं, सिंस हमने ये छोड़ दिया था, मतलब किया नहीं था लास्ट टाइम, तो उसको कर लेते हैं। तो भाई मैंने एक फॉर्मूला तो बताया था तुम लोगों को, क्या आपको याद है क्या क्या फॉर्मूला था? क्या यस सर फॉर्मूला था बताओ। सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी के ऊपर बार सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये था वो, यस सर है ना, ये था वो। ठीक है, तो ये आपका और गेट बन के निकलता है बाहर, लेकिन इसमें हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे हमारी बेटा। तो आप लोगों को ये ट्रुथ टेबल जो यहाँ बनी हुई है ना, ये नहीं देखनी, आप लोगों को खुद की बनानी है। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सिंस अब आपको ट्रुथ टेबल बनानी तो आ गई है, सबको यस सर आ गई है ना, यस सर है ना। तो बनाओ ट्रुथ टेबल, बनाओ और मुझे बताओ कि भाई क्या ये वाली ट्रुथ टेबल सही है या गलत है, क्या तुम्हारी भी यही आ रही है या तुम्हारी कुछ और आ रही है, तुमको ये बताना है। क्योंकि हो सकता है कुछ और आ रही हो सकता है मैंने ये गलत बनाई हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मैंने गलत बना रखी हो, पहले से बता रहा हूं मैं ये चीज। क्योंकि तुम लोगों को टेस्ट करना है मुझे कि तुम ट्रुथ टेबल बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे। समझ में आया सबको करना क्या है? यस सर बनाओ।
अगर नहीं समझ में आ रहा है ना किसी को, तो परेशान नहीं होना है, बस डिस्कस लिखना है चैट में, ठीक है? अगर समझ में नहीं आ रहा है ना ट्रुथ टेबल कैसे बनानी है या नहीं बन पा रही है, तो केवल डिस्कस लिखना है चैट में, परेशान नहीं होना है। हाँ आ सकता है। अच्छा यहाँ पे एक सिंबल में थोड़ा सा चेंज है, देर विल बी, ये छोटा वाला जो सर्कल होता है ना ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि NOR है ना बेटा ये, तो यस सर। यहाँ पे सर्कल में चेंज है तो ये आएगा। तो ये ट्रुथ टेबल हमारी बेसिकली किसी और की बना रखी थी मैंने, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, सिंस प्रखर ने एक डाउट पूछा है तो आई थिंक वो पहुंच गया है वहां पे, सॉरी तमन ने पूछा है वो पहुंच गई है वहां पे, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने किसी और गेट की बना रखी है ये टेबल। क्या आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। किसी और गेट की बना रखी, जस्ट टू चेक यू गाइस कि आप ट्रुथ टेबल बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे, ठीक है? तो मुझे तुम लोगों को सही वाली बतानी है, तुम लोग बनाओ और सही वाली मुझे बताओ। कैसे बताओगे आप लोग? आंसर आप ऐसे दे सकते हो, देखो। हाँ हाँ तमन ठीक है, दैट आई अंडरस्टूड, आपको आंसर देना है मुझे, डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले आंसर दो मुझे। आंसर कैसे दोगे? जैसे ये सी वाला जो है ना तुम्हारा ऑप्शन, इनपुट्स तुम्हारे यही रहेंगे, फर्स्ट वाले में 0 0, देन 0 1, देन 1 0, देन 1 1, तो तुम्हें आंसर ऐसे देना है कि सर आंसर आ रहा है मेरा 1 1 0 0, या फिर 0 0 0 1। समझ में आ रहा है कैसे देना है आंसर चैट में? तुम्हें यस सर। सी की वैल्यूज बतानी, आउटपुट की वैल्यूज, तो बताओ मुझे। जब तक एक दो बच्चों के आंसर नहीं आएंगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, या तो तुम डिस्कस लिखो चैट में, ठीक है? क्योंकि अब तुमको मैंने सिखा दिया है कैसे ट्रुथ टेबल बनानी होती है, तुम्हें अब आना चाहिए। करें डिस्कस करें या टाइम चाहिए और? सर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को, हाँ मल्टीप्लाई करने से पहले उसको चेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसको चेंज करना है? बार कैसे, पूरे पे बार है या उसके ऊपर बार है? तो उसके ऊपर है, पहले फिर पहले बार आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बार है। यही तो ट्रिक है, सबसे मेन ट्रिक ही यही चीज है, पता है यही गलती करते हैं हम लोग। हाँ अगर हम ये चीज समझ में आ जाए ना हमें, तो फिर पूरा ही गेम सॉर्टेड है। करें भाई डिस्कस करें बच्चों, क्या यस बोलते हो, टाइम चाहिए क्या और थोड़ा डिस्कस डिस्कस करें? भाई तुम लोग है ना चैट में नहीं लिखते हो यार, मैंने नोटिस किया ये चीज, मतलब ये चीज अच्छी नहीं है आपको, एटलीस्ट नहीं भी आ रहा है ना तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ये चीज कि सर नहीं आ रहा है समझ में। बात समझ में आ रही है? चलो भाई तो इधर देखो ध्यान से, ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, दिस इज नॉट XNOR गेट, ये जो ट्रुथ टेबल है इसको मैं रादर मैं आपको ये बता ही देता हूँ कि ये किस चीज की है, ठीक है? जो हमारा टाइटल होने वाला है उसको हम चेंज करते हैं, इसको हम लिखते हैं XNOR और XOR गेट, ठीक है? तो ये जो आपका ट्रुथ टेबल है किसका है बेटा? XOR का है ये, किसका है? XOR XOR है ना? ध्यान से समझो, अगर मैं सेम डायग्राम बनाऊं, सेम डायग्राम बनाऊं, बस यहां पे मैं ये छोटा वाला सर्कल बना दूं, तो ये XNOR नहीं बन जाएगा क्या?
यस सर। है ना, डिफरेंस समझ में आया आपको XOR और XNOR गेट में? यस सर। यस तो सर। इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल हमें बनानी थी जो कि मैंने आपको दी हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ट्रुथ टेबल बना रखी है ना, ये कौन से वाले गेट की है? यह है XOR गेट की। किसकी है ये? XOR गेट की। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें बेटा, इसका अगर आपको XOR गेट का फॉर्मूला चाहिए तो ये होता है C इक्वल्स टू ए डॉट बी डैश प्लस बी डॉट ए डैश, है ना, या फिर ए डैश डॉट बी लिख सकते हो आप सीक्वेंस में अगर आपको लिखना है तो। वैसे जरूरी नहीं है लेकिन आप सीक्वेंस में अगर लिखना चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, ए बार डॉट बी, है ना, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। अब इसको आप टैली करोगे तो आपकी ये टेबल बन के आएगी। ये जो टेबल दिख रही है सबको, ट्रुथ टेबल, यस सर। यही बन के आएगी। लेकिन अगर आप इसको बनाओगे एक्स एन ओ आर गेट को, तो इसकी टेबल क्या बनेगी? इसको हम थोड़ा सिंबल को छोटा करके लिखते हैं ताकि हम टेबल बना पाए इसकी। इसका सिंबल क्या हो जाएगा आपका? ऐसे हो जाएगा। ट्रुथ टेबल क्या बनी भाई? किसी का आंसर आया नहीं यार, क्या बात है, किसी को 7001 क्या आ रहा है? 1001 वेरी गुड। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, ये आया 0 0, सेकंड वाले में क्या लेते हैं हम 0 1, थर्ड वाले हम क्या लेते हैं 1 और 0, 10 लास्ट 1 और 1, है ना। 10 तो सी में इसमें फॉर्मूले में इंसर्ट करके देखते हैं, है ना। अरे बना के तो देखें हम कि क्या आ रहा है। ट्रुथ टेबल बनाओगे मेरे साथ में? चलो इधर देखो ध्यान से। ए की जगह सबसे पहले 0 रखा, फर्स्ट वाले केस में ए की जगह 0 रखा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 1 डॉट बी की जगह 0 रखूंगा, है ना। तो बी का करना पड़ेगा ना, बी बार। अरे यार, ए की जगह अगर 0 रखूंगा तो ए बार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्या, यस सर। है ना। यस सिमल्टेनियसली अगर बी की जगह 0 रखूंगा तो बी बार कितना हो जाएगा? 1। तो ये 1.1 नहीं बन जाएगा क्या? तो यस सर। ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1। अरे और गेट बन रहा है ना एट द एंड ऑफ, तो एट द एंड में तो ये एट द एंड में तो और बन रहा है ना यस बेटा, है ना। तो ये रिजल्ट क्या देगा? 1 ही तो देगा रिजल्ट। और गेट में तो 0 प्लस 1 का वैल्यू भी 1 ही होता है। सर। क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस 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 0 के केस में कितना आंसर आ जाएगा? 1 जाएगा, है ना। अगला वाला करके देख लेते हैं। अगले वाले में ए की जगह रखना है 0 और बी की जगह रखना है 1, है ना, और आपको प्लस करना है। अब ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 0 ही होता यस सर। है ना। और ए बार कितना हो जाएगा? ए की जगह 0 रख रहा हूं मैं, तो ए बार हो जाएगा 1 यस सर। मल्टीप्लाई बाय बी की जगह 1 रखना पड़ेगा मुझे। बी की जगह 1 है ना सेकंड वाले में, देखो। यस सर। तो बी की जगह 1 रखूंगा तो बी बार कितना बन जाएगा उल्टा उसका? 0। जीरो जीरो ये भी कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये 0 प्लस 0 कितना आंसर आएगा? जीरो जीरो जीरो। तो यहाँ हो जाएगा 0। सेम तरीके से यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और जब 1 रखोगे तब तो फिर ऑब्वियसली 1 ही आना है आंसर, है ना। अरे 1 रखोगे तब तो 1 ही आएगा ना, ए की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह 1 प्लस। अगर ये दोनों 0 हो भी जाते हैं, ये दोनों 0 हो भी जाते हैं तो भी एक तरफ तो 1 आ गया, एक तरफ 1 आ गया मतलब और गेट में एक भी 1 आता है तो चल जाता है काम हमारा, है ना। अगर यस एक भी 1 आता है और गेट में तो आंसर कितना आता है? सो 1 ही आता है। 1 ही आता है। तो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, लास्ट वाले केस में भी? वन सो द ट्रुथ वन टेबल विल बी 1001। क्या ये सबको क्लियर हुई क्या? यस सर। यस सर। सेम तरीके से इस फॉर्मूले से आप XOR गेट का भी निकाल लोगे ट्रुथ टेबल, इजी हो जाएगा। अब तो ये करना क्या डिफिकल्ट है? यस सर। यस सर। किसी इजी। को डाउट है? लॉजिक गेट्स बहुत इजी हैं, हमें बस ट्रुथ टेबल बनानी आनी चाहिए, और बहुत डिफिकल्ट नहीं ट्रुथ टेबल बनाना।
जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर ही तो निकालना है बेटा, सिंपल से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कुछ वो है क्या, डिफिकल्ट है क्या कुछ? नो सर। नो सर। नो सर। पक्की बात, आगे चलें? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो बोलो, डाउट बोलो। जो कल आपने NOR गेट और NAND वाला गेट कराया था ना, उसमें हाँ। जो फॉर्मूला था उसमें भी अलग अलग बार है कि इकट्ठी बार है? इकट्ठी बार है बेटा। आपने कौन से, आप स्पेसिफिकली बताओ मेरे को कि आप कौन से वाले की बात कर रहे हो। तो जैसे NOR वाला गेट है ना, उसका फॉर्मूला हाँ। है C=A+B के ऊपर बार, तो उसमें हाँ। जो बार है वो A के इकट्ठी बार है, ए प्लस बी का होल बार है। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो NAND वाला करवाया था उसमें हाँ, भी इकट्ठी है। हाँ जी, हाँ जी। सोचो ना बेटा, NOR का मतलब क्या हुआ? NOR का मतलब हुआ और का नेगेशन, और का नेगेशन। तो और तो ए प्लस बी होता है। यस सर। है ना, तो ए प्लस बी का नेगेशन, तो यानी पूरे ए प्लस बी का के ऊपर बार लगाना पड़ेगा ना तुम्हें। यस सर। बात समझ में आ रही सबको? यस सर। ठीक है, चले आगे चले बच्चों। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं कुछ टेस्ट के क्वेश्चन से, है ना, ये आपको सॉल्व करने, मैं आपको एक मिनट का टाइम दूंगा, देन वी विल डिस्कस। जिसने करे हुए थे वो भी बताओ जल्दी से सॉल्व करके, जिसने नहीं करे हुए थे वो आंसर मतलब सॉल्व करके आंसर दे सकता है। करें डिस्कस करें। यस सर। हाँ भाई, हो गया सबसे इजी क्वेश्चन था? यस सर। पेपर में हो गया था? यस सर। यस सर। हाँ, पेपर में होना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना घर पे हो जाते हैं, लेकिन पेपर में थोड़ा दिक्कत होती है उन्हें करने में, होता है ऐसा? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा हम अगर दिमाग शांत करके करेंगे ना, पेपर में भी हो जाएंगे, ठीक है? और तुम तो घर पे देते हो यार अभी तो पेपर, तुम्हारा तो मतलब इतना ज्यादा परेशानी भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा एंजाइटी तो तब होती है जब कहीं बाहर जाके देना पड़े, जैसे स्कूल में जाके देते हो तुम पेपर, तो थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है ना। हाँ भाई, देखो इधर, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मास कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे ये हम एनर्जी लिख देते हैं, एनर्जी, ठीक है, कितना है ये? 0.1% है, 0.1% है, लेकिन किसका 0.1% है? ऑफ 1 kg, 1 kg, इज दैट राइट? क्योंकि आपका फिजन कितने मास का हुआ है, 1 kg मास का हुआ है, तो उसका ही तो 1.1, उसका ही तो 0.1% मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, है ना? Yes, तो पहले तो इसको निकालो, 0.1% कितना हो जाएगा भाई 1 kg का? 1/1000 हो जाएगा क्या? Yes, sir. 1/1000 kg, ठीक है। अब मैंने बताया था तुमको एनर्जी रिलीज निकालने के लिए, एनर्जी रिलीज सिंस यहाँ पे यही निकालना है, तुम फॉर्मूला तो यही यूज करोगे, E=Δmc² है ना? Sir. अब तुम इसमें 931 से मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन तब कर सकते हो, कब बताया था मैंने?
क्या कंडीशन होती है उसकी? एटॉमिक मास यूनिट में। हाँ, जब आपका मास AMU में दे रखा हो, है ना, AMU या U दोनों सेम चीज है, एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा हो, तो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देख सकते हो। 91 मतलब आप एनर्जी को उसको सी स्क्वायर को बेसिक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको केजी में जैसे ले रहे हो अगर आप मास, तो आपको फिर सी की वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी जो होती है मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है, तो ये डेल्टा एम था, ये डेल्टा एम था जो मास चेंज था, जो कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, उसकी वैल्यू कितनी थी? 1/1000। यस सर। और सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है पता है सबको? 3 × 10⁻¹। यस सर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 19 × 10⁻¹⁶। वेरी गुड, नॉट 16, 13 बेटा। देखो ना, 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, है ना, और 10 की पावर 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 + 8, 10 की पावर 16 हो गया। Yes, है ना, 10 की पावर 16 और नीचे 10 की पावर 3 है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 बन के, राइट? सो दिस विल बी 9 × 10⁻³¹ जूल में। अगर आंसर चाहिए तो आपको मीटर पर सेकंड में ही लेना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस दे रखी जर्मेनियम न्यूक्लाइड की कितनी है कि भाई आपकी ये आ रही है ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ बेरिलियम 9⁴। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताने हैं जीई में। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ? ए हुआ क्या? एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर हुआ ना। अरे समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं आई। यस सर। बेरिलियम का जो बेसिकली रेडियस है वो आधा है जर्मेनियम वाले से, तो आपको रेडियस में कंपेरिजन करना है पहली बात तो। ये आपको पहला क्लू मिला। दूसरा क्लू क्या मिला? क्वेश्चन पूछ रहा है जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये एटॉमिक मास नंबर ही तो होता है। ए जो होता है मास नंबर वही तो देगा तुम्हें न्यूक्लियॉन्स कितने निकलेंगे वो। यस सर। राइट, सो यू नीड टू फाइंड दैट। अब दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एंड आंसर बताओ। आप डिस्कस भी लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो हमें रिस्पॉन्ड करना है। करें, डिस्कस करें बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब आंसर आया ही नहीं आया, जो भी है आइदर
ठीक है। तो भाई रेडियस का एक फॉर्मूला बताया था तुम लोगों ने, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। अब क्या दे रखा है, बेरिलियम वाला लेट से दे रखा है हमें, बेरिलियम के हम लिए लिखे हैं अगर ये फॉर्मूला फॉर बेरिलियम, तो लेट से इसको हम आर वन बोल देते हैं, सिंस आर वन और आर टू अलग होने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा ये आर वन इक्वल्स टू आर नॉट ए, कितना है ए फॉर बेरिलियम, ए इक्वल्स टू नाइन, नाइन की पावर 1/3 हो जाएगा क्या बेटा? यस सर। एंड फॉर जर्मेनियम दिस इज गोइंग टू बी आर टू इक्वल्स टू आर नॉट और ए, क्योंकि यही तो निकालना है, पता ही नहीं है तो ये तो निकालना है हमें, राइट? सो इफ विल डिवाइड बेसिकली आर वन बाई आर टू विल कम आउट इज आर नॉट नाइन, पावर 1/3 डिवाइडेड बाई आर नॉट ए टू द पावर 1/3। अब ये आर नॉट से तो आर टू दिस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम, यानी कि दो गुना है बेरिलियम के रेडियस से जो कि आर वन हमने लिया, क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। है ना, तो यानी कि आर वन बाई आर टू कितना हो गया, 1/2 हो गया क्या? यस सर। समझ में आया सबको कैसे हुआ? यस सर। है ना, नाउ आपको जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 की पावर 1/3 अगर आप निकालते हो तो ये तो आप फिर भी निकाल लोगे, है ना, अंडर रूट 3 बोल दोगे आप इसको, अरे राइट, अंडर रूट 3 का क्यूब कितना होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 का एक और बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट, नहीं नहीं नहीं, तब आपका 3√3 आ गया, सॉरी दैट विल नॉट बी 1/3, पर हाँ 9 का 1/3 फिर भी निकाल पाओगे, लेकिन ए का 1/3 तो निकाल ही नहीं पाओगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का? क्या आता है दिमाग में कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई? 1/3 है वो उधर भी, उधर ले जाएंगे ना, उधर क्यूब बन जाएगा, किधर ले जाएंगे, किधर बन जाएगा, 1/2 की साइड, तो वो इनवर्स नहीं हो जाता है, वो उसका क्यूब बन जाएगा ना, किसको किधर ले जाऊं, एक चीज बताओ पहले, किस चीज को किधर ले जाना है? वॉइस कट हो रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सर पहले कट हो रही थी, अब नहीं। सर सर हम बोथ साइड क्यूब का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, नहीं सॉरी क्यूब ले लेंगे बोथ साइड। देखो ये है बेसिक मैथमेटिक्स जो तुम्हें लगानी है हर क्वेश्चन फिजिक्स में, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब पावर में 1/3 आ रहा है और 1/3 हमें नहीं सॉल्व करना आता, नहीं आता ना भाई सॉल्व करना, अगर 27 होता तो उसका फिर भी क्यूब रूट बोलते हैं इसको, क्यूब रूट निकाल सकते थे, 3 3 9 9 3 27, 27 का क्यूब रूट कितना हुआ, 3 हो गया, yes, sir. है ना, वो फिर भी इजी है, लेकिन फिर भी 1 की पावर 1/3 फंस जाता हमारा, है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है ना कि जो सॉल्व कर नहीं पा रहे हो उसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो उसको किसी तरीके से जो नहीं समझ में आ रहा उसको, तो 1/3 को हटाने का एक ही तरीका है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रही बात, 1/3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 नहीं बन जाएगा क्या, तो 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि मैं होल क्यूब ले लूं, इधर भी मैंने होल क्यूब ले लिया, इधर भी मैंने होल क्यूब ले लिया और 1/2 की तरफ भी मैंने होल क्यूब ले लिया, है ना, दोनों तरफ कर सकते हैं ना, LHS और RHS में सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप, राइट? तो ये तो आपका 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर भी कैंसिल हो गया, 9 बचा, नीचे कैंसिल हो गया, a बचा, है ना, और इधर 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो इसमें a का आंसर कितना आ गया भाई, 8 9 72, ठीक है, That is C option. समझ में आया क्या सबको? Yes sir. पक्की बात? Yes sir. Yes sir. Solve the next one. इसको समझो और अच्छे से सॉल्व करना, इसके बाद हम सीधे बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इसके बाद लेंगे, इसको पहले सॉल्व करें, ठीक है, होना चाहिए सबसे सॉल्व, ये ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं मैंने बहुत सारे,
सर इन जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज दी है वो सारी वैल्यूज कंसीडर करनी है। हाँ, अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज तुम अगर दो डिजिट भी लेते हो या तीन डिजिट तक भी लेते हो तो क्या काम चल जाएगा? क्या इस क्वेश्चन में चल जाएगा तो क्यों चल जाएगा ये बताओ। सर क्योंकि आंसर्स में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है। आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ज्यादा ही डेप्थ में चले गए बच्चा, क्योंकि दूर दूर है। हाँ, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर है। एक 800 है, एक 18 ही रह गया। अरे 800 और 18 में तो फर्क होता है ना भाई। यस सर। एक 0.7 ही रह गया, एक 1800 है ना, 1800। सो देयर इज अ क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज ऑप्शंस, राइट? बहुत ज्यादा डिफरेंस है ऑप्शंस में। तो डेसिमल के साथ जो आपकी डिजिट्स हैं, अगर आप दो तीन तक भी लेते हो तो भी क्या इतना डिफरेंस क्रिएट होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्टली जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो ऑप्शंस देख के ही तो समझेंगे कि भाई ऑप्शंस कितने पास हैं। अगर आप पास होते 1801, 1803 ऐसे ऑप्शंस होते तो फिर हमें डेसिमल को काउंट करना पड़ता। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. एग्जामिनर yes, तो एग्जामिनर को पता है तुमको कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते तुम। अभी कर लेना न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेटर यूज करोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको पेपर में सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं मिलते। यहाँ पे तुम्हारे पास काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और क्लास में हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तो आप क्लास में कर सकते हो, लेकिन जब सेल्फ स्टडी करोगे ना तब कैलकुलेटर यूज मत किया करो। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। क्लास में सिर्फ हमारे पास टाइम कम है, आप अभी कर सकते हो। तो आंसर सॉल्व करो और जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। टेक योर टाइम, टेक 1 to 2 minutes एंड गिव मी द आंसर। अगर आसपास भी आ रहा है ना तो भी चल जाएगा, ठीक है? अगर आसपास भी आ रहा है तो भी चल जाएगा। एंड यूज द कैलकुलेटर, परेशान मत हो, कैलकुलेटर यूज करके करो। तमन और जसनूर ने आंसर किया है अभी तक, बस अक्षरा का भी आ गया है। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ओम, प्रखर, गुर्णम, सिद्रा, आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई? और बाकी बच्चों का तुम लोग डिस्कस भी नहीं लिखते हो यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा।
एटलीस्ट कुछ तो लिखो, रिस्पॉन्ड तो करो क्वेश्चन को. करें डिस्कस करें बच्चों, यस सर डिस्कस करें. यस सर. ठीक है, तो भाई देखो इसमें यूरेनियम 238 की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ए दिया हुआ है इसने. आवाज आ रही मेरी सभी को? यस सर. हाँ जी, तो इसमें क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है. ए कितना दिया हुआ है बच्चा? 238. इज दैट राइट? है ना. और जेड की वैल्यू दी है एटॉमिक नंबर की, कितनी है? 92 के क्या? 92. ठीक है, अब समझो, ध्यान से समझना. तुम्हारा जो बाइंडिंग एनर्जी जो बनेगा इसका, है ना, बाइंडिंग एनर्जी जो बनेगा वो कैसे बनेगा? मास से कन्वर्ट होगा, वही हमें पता है ना, मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, है ना. तो हमें डेल्टा एम निकालना पड़ेगा पहले इसके लिए. डेल्टा एम कैसे निकालेंगे भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से जो मास ये दे रखा है इसने यूरेनियम 238 का, उसको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन जितने भी प्रोटॉन्स है, या मान लो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, उनका जो मास है प्लस ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास होता है, वो टोटल मास में से ही तो निकलेगा तुम्हारा यूरेनियम 238 का मास, जो कि एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. यस सर. यस सर. है ना. तो कैसे लिखेंगे इसको डेल्टा एम को? इधर देखो ध्यान से, डेल्टा एम विल बी मास ऑफ प्रोटॉन, एक एक प्रोटॉन का मास, है ना. इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जेड से, क्योंकि जेड ही तो होते हैं प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में, है ना. और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं भाई? ए माइनस जेड होते हैं क्या? ए माइनस जेड 146, है ना. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, मास ऑफ, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन से, एक एक न्यूट्रॉन के मास से. इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको ये मास जो आपको दे रखा है यूरेनियम 238 का, है ना. समझ में आया प्रोसेस? समझ में आया? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो जेड की वैल्यू पता है सबको, 92. यस सर. 92 को मल्टीप्लाई कर दो, एमपी की वैल्यू दी हुई है 1.007825, है ना. इसमें से आप माइनस करोगे कितना क्या होगा? एक सेकंड रुको. ए माइनस जेड की वैल्यू बताओ सर. 146. यस सर. यस सर. अच्छा, अभी बीच में, हाँ बीच में वो नेटवर्क ड्रॉप हो गया था, शायद थोड़ी कट के आ रही होगी. अभी अभी क्लियर आ रही है क्या? यस सर. ओके कूल. सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज ए माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 238 माइनस 92, इज दैट करेक्ट? यस सर. मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूट्रॉन के मास से, जो कि दिया हुआ है हमें 1.008665, राइट. और माइनस कर देंगे इसमें से 238.050783, है ना. तो इसमें
इसको जब सॉल्व किया होगा तुम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, नो प्रॉब्लम इन दैट, आंसर वुड बी 1.93421 के अराउंड आ रहा होगा. यस सर. यस सर. ठीक है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर आए, नो प्रॉब्लम इन दैट, सिंस हमारे ऑप्शंस दूर दूर हैं अभी. तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी अगेन, डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना. अब ध्यान से देखो, ऑप्शंस तुम्हारे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है क्या, एमईवी में? यस सर. तो यहाँ पे हम सीधे 1.93421 को मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वैसे 931.5 होता है टू बी एग्जैक्ट. ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो, इसलिए आपका थोड़ा आंसर इधर उधर आ रहा होगा, है ना, 931.5 होता है टू बी एग्जैक्ट. सो दिस विल कम आउट एज कितना आ जाएगा ये, 1801.7. यस सर. यस सर. ठीक है, समझ में आया सबको ये क्वेश्चन क्या? यस सर. जल्दी से बताओ, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं. कूल. चलो भाई आगे चलते हैं. ये एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आई बिलीव कि आप कर पाओगे, सिंस अभी बेसिक मैथमेटिक्स भी सॉल्व करनी है, तो पहले उसको कर लेते हैं. ठीक है, तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स को, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम चालू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से लेते हुए हम पूरा इक्वेशंस ऑफ लाइंस, है ना, इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, ये सब करेंगे हम, है ना, सब कुछ लॉग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह सब चीजें करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, जल्दी से इसका आंसर बता दो. सेक थीटा की वैल्यू अगर दी हुई है तो साइन थीटा टेन थीटा निकाल सकते हैं हम बहुत इजीली, है ना. कितना आ जाएगा भाई बताओ, आंसर सबको करना है. अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इजी है ना बेटा? सर बस 2 मिनट. अरे किसी का नहीं आया सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही. स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही क्या? हो रही थी. रुको रुको, फिर से हो जाएगी बेटा, क्या बात हो गई, अभी हो रही है? यस सर. समझ गए हो तुम लोग भी कि जब सर पूछते हैं तो उसके बाद 2 सेकंड रुकना है. सर थोड़ा जल्दी पूछ लेते हैं, समझ गए ना तुम लोग अभी, मेरी टेक्निक समझ गए तुम तो. यस सर. सर आ गया आंसर. कितना आया? सर डी ऑप्शन आया. डी ऑप्शन आया, बहुत बढ़िया. इजी क्वेश्चंस भी गलत करने लगे हैं अब हम, है ना. सर मेरा बी आया. ओ सॉरी. ओ नहीं नहीं ठीक है, हाँ बी आया. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलत कर दिया, आंसर मार्क करके आगे चली गई है तमन. बाद में तमन को याद आया, अरे ये तो गड़बड़ हो गई. पाइथागोरस ट्रायंगल यूज करेंगे भाई इसके लिए, है ना. ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हो गया बेस. अब तुमको पता है कि sec थीटा जो होता है, sec थीटा वो क्या होता है भाई, क्या होता है? h upon b. हाँ, 1/cos थीटा. cos थीटा क्या होता है? b upon h होता है ना. नेटवर्क चला गया क्या फिर से? आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर. यस सर. अभी आ रही है? Yes, समझ में आया ये? यस सर. समझ में आया? ठीक है. हाँ भाई, तो h बाई बी का मतलब क्या हुआ कि आपका sec थीटा 5/3 है, का मतलब h इक्वल्स टू 5 है और b इक्वल्स टू 3 है. यस सर. तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में p इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, 3, 4, 5 का होता है ना ट्रिपलेट. Yes, sir. है ना, तो इसका मतलब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन. साइन थीटा में पता है p by h होता है. Yes, sir. ये हो जाएगा 4/5, है ना.
और तुम्हारा टेन थीटा क्या होता है भाई, पी बाय बी होता है क्या? पी बाय बी कितना हो जाएगा, पी बाय बी फोर बाय थ्री, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। यस सर। ना अब ये 5-10 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है जिसमें तुमने इतना टाइम लगा दिया, ऐसे नहीं काम चलेगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन आपको, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, जो तुम टेंथ में पढ़ चुके हो, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, ये सब काम आती है फिजिक्स में भी, ठीक है। तो इसको यूज करो और आंसर बताओ जल्दी से। अच्छा ये क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन पढ़ोगे तुम, तुम्हें बता दूं यहाँ पे तुम्हें दे रखा है 10√3 इसकी वैल्यू, ये 10√3 ये जो अजीब सा नंबर दे रखा है। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां से ए पॉइंट पे बैठ के जब आप इस बिल्डिंग को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जब आप ऊपर देखते हो ना अपनी हाइट से ऊपर आप देखते हो तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये ए से इस बिल्डिंग की टॉप हाइट को देखने, टॉप पॉइंट को देखने वाला एंगल है 30 डिग्री। और जब आप थोड़ा आगे चले जाते हो बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट से जब आप सेम पॉइंट को देखते हो तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ए से बी की बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10√3। बी से इस पॉइंट, मान लो ये टावर है तुम्हारा, ये मान लो टावर है तुम्हारा, ये पॉइंट है तुम्हारा सी और ये पॉइंट है तुम्हारा ओ। तो बी सी की वैल्यू नहीं दे रखी है और ओ सी की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, यानी कि अगर इसको तुम एच बोल देते हो हाइट, तो इसकी वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, ये है ना हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहा है। निकाल लोगे? यस सर। जल्दी से बता दो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर बताना है। आया क्या बच्चों आंसर? फोर्थ ऑप्शन, ओके। करें डिस्कस करें क्या? यस सर। अगर आप आंसर सॉल्व करके मुझे दे रहे हो, मुझे सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आई नहीं रही है, मुझे खुशी होगी अगर आप सॉल्व करके दे रहे हो, आपने ट्राई किया क्वेश्चन। अभी आई, am I audible? यस सर। अभी क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, सो मैं बोल रहा था कि आप लोग अटेम्प्ट करोगे ना क्वेश्चन, वो चाहिए मुझे, आंसर निकाल के दे दोगे सही आंसर निकाल के, तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये कि तुमने ट्राई किया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। चलो भाई डिस्कस करते हैं। तो देखो दो ट्राइंगल है इसमें, एक तो ट्राइंगल बन रहा है आपका ट्राइंगल ए बी ओ,
है ना। तो इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी ओ में, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपको इसमें जो आपका बेस मिलेगा वो मिलेगा 10√3, लेकिन इसमें हाइट इंक्लूडेड नहीं है। ट्राइंगल ए बी ओ में हाइट है क्या आपकी इंक्लूडेड? नो सर, नहीं है। हाइट तो आपकी ओसी है ना, क्योंकि अरे हाइट तो ओसी है ना, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल लेने का हमारा कोई फायदा नहीं है, है ना। कैसे देखते हैं, मैं वो समझा रहा हूँ। तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें हाइट इंक्लूड हो, क्योंकि निकालनी तो एच है, तो हम लेंगे इसमें ए ओ सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है, क्योंकि दोनों में ओ सी इंक्लूडेड है यानी एच इंक्लूडेड है। समझ में आई बात? यस सर। तो सबसे पहले तो इसको अज्यूम कर लेते हैं कुछ, लेट से इसको एक्स ले लिया मैंने, है ना, जो आपकी बी और सी के बीच की डिस्टेंस है, उसको मैंने क्या ले लिया बच्चों? एक्स, एक्स ले लिया, है ना। तो अब मेरे को, अब मैं दो इक्वेशन और दो वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल में 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट थ्री बी। 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1060 क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है, पी बाय बी, तो पी तो हो गया हाइट और ये हो गया एक्स, तो इससे इक्वेशन क्या बनी, 1060 की वैल्यू होती है √3। यस सर। अब ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एटलीस्ट याद रखने पड़ेंगे, और ये तो इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो ये तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई एच बाई रूट थ्री। अब इसमें दिमाग लगाओ, अगर आपको डाउट भी आ सकता है इसमें एक, कि सर एक्स की वैल्यू क्यों निकाली एच बाई रूट थ्री, एच की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्या ये डाउट आ रहा है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? तो आपको ये डाउट क्यों नहीं आया कि सर आपने एक्स की वैल्यू क्यों निकाली, आपने एच की वैल्यू क्यों नहीं निकाली? बोलो भाई, अगर मैं एच की वैल्यू निकालता एक्स के टर्म्स में, तो पहले मुझे एक्स निकालना पड़ता, है ना। एक्स की वैल्यू निकाले बिना एच की वैल्यू आती नहीं, और एक्स की वैल्यू क्यों निकालू मैं जब मुझे निकालना ही एच है, तो जो मेरा मेन वेरिएबल है, जो मेरा मेन वेरिएबल है उस पे फोकस करना है ना मुझे, तो यस सर। तो मुझे एक्स की वैल्यू एच के टर्म्स में निकालनी चाहिए, ताकि मैं एक्स को अगली इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं, तो मेरा केवल एच बचे। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बेसिक गलतियां करते हैं मैथ्स में, क्योंकि आप देखना आगे जब सॉल्व करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए ओ सी क्या बनेगा भाई, 10 30 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर तो अभी भी हाइट ही है, और बेस हमारा क्या बन गया है, 10√3 + x, 10√3 + x बन गया है। अब मैं x की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, यस सर। 10√3 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो गया h अपॉन 10√3 + h/√3। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? नाउ यू कैन सॉल्व दिस, एंड इसमें आपको केवल एच है, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो एच की आंसर वैल्यू आती है 15 मीटर। क्या वैल्यू आएगी भाई एच की? 15 मीटर। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये, या सॉल्व करके बताना है? सॉल्व करके बताना है क्या? अरे बताओ भाई, सॉल्व करके बताना है तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें सर, बता दो। बता दो सर। चलो ठीक है, देखो इधर देखो, ये 1/√3 हो गया, इधर हो गया h, डिनोमिनेटर में 10√3/1 है प्लस h/√3 है, तो इसका एलसीएम लोगे ना, ये है 10√3/1 प्लस h/√3, तो इसका एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम तो √3 आएगा। यस सर, √3 एलसीएम आया, √3 एलसीएम आया, तो √3 को 1√3/√3, और उसको ऊपर मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 10√3 से, तो ये 10√3/√3 हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आया? एलसीएम लेना नहीं आता है क्या? आता है सर, आता है। तो हाँ ना तो बोलो, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, है ना, यहाँ पे √3 आएगा, तो कैसे सॉल्व करते हैं ये, इसको डिवाइड करते हैं इससे, है ना, फिर जो आता है आंसर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10√3/√3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये तो 1 आ जाएगा, √3/√3। यस सर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एच से, तो ये तो केवल एच आ जाएगा। अब ये जो √3 है, इसका क्या करोगे?
ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में एच के साथ, एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच के साथ मल्टीप्लाई होगी रूट थ्री एच बन जाएगा, है ना। और ये सारा माल मसाला ये चला जाएगा तुम्हारा एल एच एस में ऊपर की तरफ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो क्या बन रहा है ये, 3 × 10 बन रहा है 30, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री 3 बन गया, और 3 × 10 बन गया 30, 30 प्लस एच ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया 30 प्लस एच इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा रूट थ्री ऊपर जाके रूट थ्री एच बना देता है, है ना। और ये रूट थ्री जो था 1/√3 वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इससे रूट थ्री एच से, ये वाला रूट रूट, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 3h, यस सर, है ना। तो क्या बन गया भाई 2h इक्वल्स टू 30, यानी h इक्वल्स टू 15 आया, यस सर। कोई एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस हैं, जितना ज्यादा आप करोगे उतनी ज्यादा फास्ट ही कैलकुलेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब। अब इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें, ये सब चीजें हैं बहुत इजी, लेकिन अगर नहीं प्रैक्टिस करी है, नहीं आती है, तो बहुत परेशान करती है ये फिजिक्स में भी। चलो इसको सॉल्व करो, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आप कर पाते हैं क्या। नहीं कर पाओगे तो मैं तो बताऊंगा ही सही। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता है सबको, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यस सर, क्या होती है, y is equals to mx plus c, वेरी गुड। इसमें m क्या होता है, स्लोप, स्लोप स्लोप है ना, ये होता है इंटरसेप्ट, यस सर, है ना। और x तो पता ही है, x और y तो वेरिएबल, सही सही। चलिए भाई सॉल्व कीजिए, एक मिनट मिलेगा इसके लिए आपको, फिर ज्यादा नहीं देंगे। ओके, डिस्कस करना है क्या? यस yes, सभी को डिस्कस करना है, क्या बात है यार। तो मतलब बढ़िया हुआ मैंने ले लिया है तो क्वेश्चन, वरना तो मुझे तो लगता था तुम्हें आता है ये सब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, तो भाई देखो सबसे पहले तो इसमें y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन निकालनी है हमें, तो हमें इसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले c की, बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालोगे तभी तो आगे प्रोसीड कर पाओगे, y और x के टर्म्स में लिख पाओगे, है ना। तो c की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, c की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू mx प्लस c में अगर मैं ये वाला टर्म जीरो कर दूं, mx वाला, तो क्या मेरी c की वैल्यू निकल जाएगी y के टर्म्स में, yes, sir. है ना। तो देखो अगर मैं x को जीरो करता हूं, x को जीरो करने का मतलब क्या है, ये y इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये, y इंटरसेप्ट की, है ना। x इक्वल टू जीरो कहाँ आएगा, y एक्सिस पे ही तो आएगा x इक्वल टू जीरो, नहीं समझ में आया। अरे यार ये रेड कलर की स्ट्रेट लाइन देखो, ये जो मेरी ग्राफ है, जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस, ये जो y एक्सिस है इस पे जब टकराएगा इस पॉइंट पे, है ना, जिस पॉइंट पे y इक्वल टू 8 आ रहा है ना, yes, इस पॉइंट पे क्या x की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या, यस सर। अरे y एक्सिस पे तो x की वैल्यू जीरो होती है ना, यस सर। और x एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है बच्चों, y की, सबको समझ में आती है ये बात,
सर है ना। तो भाई जब मैं x को जीरो रख दूंगा तो मेरा y की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि मेरा y इंटरसेप्ट आ जाएगा, यानी कि मेरी c की वैल्यू आ जाएगी, यानी y इक्वल्स टू x को जीरो रखा 0 प्लस c, और y की वैल्यू क्या आ रही है भाई 8, तो मेरी c की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब जब मेरी c की वैल्यू आ गई है तो मुझे केवल m की वैल्यू निकालना बच रहा है, क्योंकि मेरे को इक्वेशन y और x के टर्म्स में तो लिखनी है भाई। Yes, sir. Y और X तो होनी चाहिए ना मेरे इक्वेशन में। Exactly. Yes, sir. Options में भी देखो X और Y तो है ही सही, है ना? तो यानी मुझे C की वैल्यू मिल जाए, M की वैल्यू मिल जाए, मेरा काम आसान हो जाएगा। बस इतना ही था मेरा काम। तो M क्या होता है भाई? Y अपॉन X होता है क्या? Yes, sir. ना? Y अपॉन X, M की वैल्यू होती है ना y2 - y1 upon x2 - x1। Yes, sir. भाई Y की वैल्यू, अच्छा ये होता है आपका स्लोप, है ना? तो माइनस टाइम्स होता है बेसिकली। तो आप अगर इसमें ध्यान से समझोगे तो m इक्वल्स टू माइनस ऑफ y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, यानी y2 - y1 upon x2 - x1। तो ये माइनस टाइम्स आपका हो जाएगा 8/6। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। जो ग्राफ है उसमें y इंटरसेप्ट आ रहा है 8 और x इंटरसेप्ट आ रहा है 6, ठीक है? तो मैंने ये लिया है, ये स्लोप का फॉर्मूला भी होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 आ गई क्या? -4/3। यस सर, है ना? सो इसको अब मुझे बस इक्वेशन में पुट करना है, यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c में मुझे m और c की वैल्यू पुट करनी है। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -4/3x + 8। समझ में आया? यस सर। एलसीएम ले लो, ये नीचे 3 आया, ऊपर चला जाएगा 3, 3y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद 3। यस सर। कितना हो गया ये? 3y इक्वल्स टू -4x + 24। 8 3 = 24, है ना? कितना, क्या इक्वेशन आ गई? 3y + 4x = 24। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया सबको? यस सर। पक्की बात? यस सर। ओके, एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट, बाकी के क्वेश्चन फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, इसको कर दो बस लास्ट सॉल्व। और अगर नहीं आता तो आप डिस्कस लिख सकते हो हाथों हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तब तक मैं सोल्यूशन बताना चालू नहीं कर पाऊंगा, इस बात को समझो। आपको पहले रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तो जिनको ट्राई करना है वो कर ले, जिनको नहीं आता बिल्कुल भी वो डिस्कस लिख दे। थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या? आ तो यही रहा है। कैन यू डिस्कस करें बच्चों? यस सर। ठीक है, तो भाई तुम्हारा जो ये फंक्शन है जिसका तुम्हें डिफरेंशियल निकालना है 4/x³, d/dx का मतलब होता है कि इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो ये फंक्शन है तुम्हारा y = 4/x³, ये फंक्शन है ना, y जो है x की टर्म्स में। तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4x - 3 लिख सकते हो क्या ऐसे? यस सर। है ना? अरे भाई अभी तक करते तो आ रहे हो तुम, नीचे डिनोमिनेटर से उठा के, जैसे 10^2 होती थी तो उसको ऊपर उठा के 10^-2 बना तो देते थे तुम। yes, ना, वो भी, राइट? इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी dy/dx निकालना है मुझे, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या हो जाता है, कैसे करते हैं सॉल्व भाई? dy/dx क्या होता है? अगर x^n का डिफरेंशिएशन निकालना होता है मुझे, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है, तो क्या हो जाता है ये n(x^n-1)? ये फॉर्मूला होता है क्या? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा ये? -4 - -3 मल्टीप्लाई बाय x^-3 आगे -1, है ना? कितना हो जाएगा ये? -12 - x^-4। समझ में आया? यस सर। है ना? अभी इसको नीचे ले जाऊंगा मैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना,
तो मैच कराने के लिए मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा माइनस 12 अपॉन एक्स की पावर 4, ये ऑप्शन है मेरा। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन सबको, या कोई डाउट है इसमें? पक्का? यस सर। पूछ लो अगर किसी को डाउट है तो। नो सर। ठीक है, सो फ्यू क्वेश्चंस आई एम गिविंग एज एन एग्जांपल्स, एज एन एज अ होमवर्क। आप इसको होमवर्क भी ट्राई कर सकते हो, और अदरवाइज हम अगली क्लास में इसको ले भी लेंगे एक्सक्लूसिवली। थोड़े और क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, जरूरी भी है। सो योर होमवर्क विल बी बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस प्लस लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन, जो कि आपकी सेमीकंडक्टर वाली में, अगेन योर होमवर्क इज रिपीटेड इन दिस रिगार्ड्स। बाकी मेजर टेस्ट की प्रैक्टिस करो, ये बहुत कम होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, 2-5-10 क्वेश्चन, 2-5-10 जितने भी तुम कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो चल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो सारे टॉपिक्स, है ना, मेजर टेस्ट है ना इस बार। यस सर। ठीक है, सो रिवाइज, ये है मेन टारगेट तुम। ठीक है, चलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, वरना मिलते हैं अगली क्लास में। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? नो सर। Okay, then see you in the next class. Bye bye, everyone. Bye, sir.